हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिनेश पवार पर। तो फैमिली, अभी 1 बजा है दिन का। तो फ्रेंड, हम काम कर रहे हैं। ये देखिए, वो पीली बंडी वाला मिस्त्री दिनेश जी और वो लड़के देखने के लिए आए हैं और लखानी भी बैठी है। और इतना काम किया है आज। अपनी रश्मि भी बैठी है, काम कर रही है। आज उसकी दोनों की छुट्टी है। शिवम खोरी को कुछ लेने के लिए गए हैं, मिस्त्री ने भेजा है। तो फ्रेंड, कुछ नहीं, खाना पीना हो गया है। अरे तो पार्टी ला गए है, अठ ला गए ना दादा। ले जे तुम ने से पर रहते दे काम हमारा थोड़ा चालू है। तो फैमिली, हम बहुत खुश है, बहुत हाल से है। हम बना रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, पैसा नहीं मिल रहा था। तो दीदी ने तो दिवाली के टाइम बोला था, पर दिनेश जी ने मना कर दिया था। फिर दिनेश जी को ऐसा हुआ, फैमिली के याद आने लेके वो सब दीदी की बात सही थी। मैंने तब वो टपरी ला लेना चाहिए था, पर अभी दीदी से इतनी बात बोलना वो गलत है। तो हमने सोचा कि बकरे बेचेंगे, फिर हमारा पैसा है वो लाएंगे और जोड़ करके बांधेंगे। तो ऐसे करते 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 फैमिली, हमें तो 1.5 महीना ऐसा ही ख़त्म हो गया है। पर अभी काम स्टार्ट हो गया है, देखिए। तो हम तो बहुत खुश है काम से कि हमारी सैलून की दुकान बंद रही है। और कुछ ना कुछ रहना चाहिए फ्रेंड, किसी के पास भी तो वो अच्छा रहता है, वरना कुछ नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। चिड़चिड़ होने लगती है, फिर किधर से क्या लाए ऐसा होने लगता है। तो फैमिली, वो तो बात ही है, पर बकरिया को चारा भी नहीं लाए हैं आज, थोड़ा कलवाए हब। तो फ्रेंड, आज तो चारा बिरा कुछ नहीं लाया है, तो बकरिया को सब कुछ छोड़ दिए हैं। आईडा मथा बैठ कर मत बोलना, बोले मालकन दिखती है, बोले ऐसा बोल रहा है। कुछ नहीं फ्रेंड, अभी वो बकरे बिकरे को छोड़ दिए हैं हमने। नोर हम काम कर रहे हैं, चारा था वो डाल दिया था, वो खा रहे थे, चले गए कर। आज चारा नहीं लाया, देखते हैं फैमिली आगे। फैमिली और नली भी ला ली है, अभी अभी आए हैं, काम को लग गए हैं सब। रश्मि दिनेश जी बैठे हैं, सब काम चल रहा है। अभी 1:30 बजे में आया है, बहुत दूर है और धूप में भी बहुत मजे आ रहे हैं। मजे मजे से कर रहे हैं काम, बहुत खुशी है। इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था हमें, और बहुत हमने ऐसा पैसा नहीं था तो बहुत हमने देखा था, पर मिला था नहीं तो बकरे भी बेच दिए। फिर हमारी चक्की थी वो भी, और हमारा जो पैसा था वो भी ले लिया है। और कुछ नहीं, अभी जो चल रहा है वो, और बाकी जो कम पड़ेगा तो आप दोस्तों को हम बताएंगे, तो आप दोस्तों सपोर्ट करना हमें। काम पूरा दिन है फैमिली, कितना होता है कितना नहीं देखते हैं।
अच्छा मिली, काम चल रहा है और गेहूँ छान रहे हैं हम, और देखे हमारा कितना वो चौरा सा हो गया है। दोस्तों फैमिली ये एक साइड से हुआ है और नीचे गिरा हुआ जो है ना सीमेंट वो थोड़ा निकाल कर इधर डाल रहे हैं। अभी शोर से बनाएंगे, देखो कितना अच्छे से दिखता है। देखा देखिए फैमिली है ना, क्या बोलते हैं चौखट चौरासा, इसके ऊपर दीवार आएगी, इतना ऊंचा रहेगा वो वट्टा हमारा। और आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा, शायद एक सवाल आ ही रहा होगा, जितना है ना ये चौड़ा जो है 11 फीट है और लंबा 15 फीट है, तो इसी में अपना ये सलून दुकान रहेगा। तो धीरे धीरे तो बन रहा है, आप सभी फैमिली की दुआ और आशीर्वाद से हमें बहुत खुशी है। हमारे मन में तो बहुत दिनों से है और था, पर समय पर पैसे नहीं मिलते हैं, इस कारण से हम बना नहीं सके। तो अभी धीरे धीरे होता जाएगा, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी अपना ये चिल्ड्रन गैंग है ना, काफ़ी बहुत मदद कर रही है हमारी, उधर से ईंट लाने में और सीमेंट दिलाने में कुछ ना कुछ बहुत बहुत मदद कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। और पूजा लखानी तो देखो कैसे गेहूँ छान रहे हैं आराम से। अरे बोलो कुछ, क्यों नहीं छानेंगे, काम वाले तो बहुत है। हाँ, पर घर का जो आधा काम है हाँ, वो हम कर लेंगे। हाँ, इसलिए हम बैठ गए और दिनेश जी चिल्लर ज्ञान सब कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मिस्त्री है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा है। हाँ, इधर ही खाता और पीता और सोता है, तो बहुत अच्छा मिला है आदमी हमें, आराम से धीरे धीरे कर रहा है वो। उसका क्या मेहनत लेता है क्या नहीं ये फिक्स नहीं है, पर अच्छे से ले लिएगा वो। तो अंदर से है ना ऐसा दिख रहा है, इसमें मिट्टी वगैरह सब भरना पड़ेगा, लेवल करके फिर ऊपर दुकान रहेगा। तो है ना इस ओर से ऐसा दरवाज़ा रखने को मन कर रहा है हमारा, और बाहर से है ना इस ओर दरवाज़ा नहीं रखना चाहते हैं। और ऐसे इधर से ऐसे आदमी चढ़कर जाएगा और इधर ही दरवाज़ा रहेगा, ऐसा ऐसे मुंह करके, एक गली है। और ऐसा क्यों है, कुछ लेडीज़ लोग है ना इधर झाड़ा पेशाब को जाते हैं और सारे लोग इधर ही आते हैं, इसलिए ऐसा मेरे को करना पड़ रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि ऐसा क्यों, झाड़ा पेशाब के लिए ऐसे लोग लेडीज़ लोग जाते हैं बाहर जंगल में, क्योंकि यहाँ बाथरूम का सुविधा कुछ कुछ घर में है, सर सारे घर में नहीं है, खेड़ा गांव में ऐसा है। तो इसलिए मैं सोच समझ कर इधर दरवाज़ा बना रहा हूँ। तो यह कैसा रहेगा फैमिली हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलो हम पूजा और लखानी कुछ बोलना चाहेगी तो बोलेगी। अरे लखानी आप क्यों गुमसुम है, कुछ बोलो तो। हाँ एक्सीडेंट दिखाओ, जरा दिखाओ कौन सा एक्सीडेंट। सिर दुख रहा है तो उनके साथ माथा भी दुख रहा है, तो इसलिए थोड़ा जी को खराब लग रहा है, इसलिए थोड़ा गुमसुम है। दिखाओ तो कहाँ लगा, मुक्का मार है ये वाला पैर पर, ये थोड़ा जख्म लगा है, पूरा मुक्का मार है। कोई नहीं, मोटरसाइकिल से गिर गए थे, कुछ पानी भरने के लिए गए थे, मैं तो कहीं बाहर निकल गया था,
बकरियों के लिए घास डाला है, तो वो नौसिका ड्राइवर लेकर गई वो, और उन्होंने घसीट दिया था पूरे, तो वहाँ लग गया है थोड़ा सा, वहाँ का दुखावा हो रहा है। तो शायद लंबा वीडियो हो गया होगा पूजा, तो चलो कोई नहीं, हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं और आगे मिलते हैं फैमिली। तो आप सभी का प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और अपनी फैमिली के साथ आप भी स्वस्थ और सुरक्षित खुश रहिए, और बस आपका प्रेम आशीर्वाद देते रहिए फैमिली। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खड़ी।